नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरकार संग वार्ता से पहले मंथन, सिंगू बॉर्डर पर 80 किसान संगठनों की हुई बैठक। दो मुद्दों पर अभी भी अटकी हुई बात, किसान नेता बोले आने वाले दिनों में और तेज होगा संघर्ष। नए साल पर ठंड का बड़ा टॉर्चर, 3 से 5 जनवरी के बीच हल्की बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के करनाल से हिसार के एसटीएफ ने सिख फॉर जस्टिस के युवकों को गिरफ्तार किया है जो लुधियाना के रहने वाले हैं, जिनका नाम तेज प्रकाश और आकाशदीप है। ये पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके लिए इन दोनों युवकों को अमेरिका से मनीग्राम के जरिए पैसे भी भेजे गए थे, जिनकी मदद से उन्होंने हथियार भी खरीदे। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही हरियाणा हिसार एसटीएफ ने करनाल से गिरफ्तार कर लिया था और इनके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। फिलहाल सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी पंजाब में शिवसेना लीडर की हत्या की फिराक में थे, जिसके लिए इन्हें विदेश से फंडिंग हुई थी। इस पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और सभी सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। थाना सदर करनाल में इंचार्ज एसटीएफ यूनिट हिसार के द्वारा एक अभियोग आर्म्स एक्ट की धारा 25 में धारा 10 में 13 यूएपीए 1967 के तहत तेज प्रकाश में आकाशदीप के खिलाफ इस आशय की दर्ज कराई गई थी कि दोनों अवैध रूप से अवैध गतिविधि को अंजाम देने के लिए यहां पे आए हुए थे और दो हथियार उनके पास से मिले हैं। मामले को दर्ज करके उसके बाद में दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जहां से उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। वहां से 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया था। तत्पश्चात दोनों को करनाल जेल में भेज दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। आज पूरा देश नववर्ष मना रहा है। गाइडेंस और प्रोटोकॉल के बीच देश भर के लोगों में नववर्ष के मौके पर जोश और उत्साह देखने को मिला। इस बीच हरियाणा के करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी जिलावासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और अनजाने में कोरोना को निमंत्रण न दें। साथियों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और करनाल जिला भी उससे अछूता नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर जो भी सेलिब्रेशंस हम करें, उसमें नववर्ष इसमें जो कोरोना की समस्त गाइडलाइंस हैं उनका हम विशेष रूप से ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे हम अपने परिवार में और समाज में अनजाने में कोरोना को निमंत्रण दे बैठे। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने सभी जिलावासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि करनाल पुलिस करनाल वासियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और आरोपियों में भय हो, आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे, इसके लिए प्राप्त कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। करनाल पुलिस जितने भी हमारे करनाल के निवासी है उनकी सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। हम ये कोशिश करते रहते हैं कि लोगों की सुरक्षा और कितने बेहतर ढंग से की जाए और अपराधियों में एक पुलिस का भय हो और साथ ही लोगों में, आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे, इसके लिए जो भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे वो पुलिस के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। नववर्ष की पहले दिन भी और नववर्ष के दिन भी पुलिस के द्वारा माकूल बंदोबस्त किए जाएंगे ताकि लोग आसानी से नववर्ष की जो खुशियाँ हैं वो मना सके। इसके साथ ही आगामी वर्ष में भी और कैसे बेहतर ढंग से प्लानिंग की जा सके, इस संबंध में भी हम विचार कर रहे हैं और कैसे उन जितने भी सरकार की योजनाएँ हैं जो पुलिस विभाग से रिलेटेड हैं उनको कैसे बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकता है, इस बारे में भी हम अच्छा कार्य करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 37वें दिन भी जारी है। 4 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत से पहले 80 किसान संगठनों के नेता आगे की रणनीति को लेकर आज मंथन कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान सरकार से बातचीत के प्रस्ताव और आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस दौरान सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन और भी तेज होता जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा ने बताया कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को इसका कोई हल नहीं निकलता तो आने वाले दिनों में संघर्ष तेज होगा। हालांकि दो मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। किसानों को भी उम्मीद बंधी है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान टस से मस नहीं हुए हैं। उनका धरना जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ वो अब भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हरियाणा में नए साल के मौके पर महामारी के केसों का आना भी जारी है। हरियाणा में 24 घंटे में 271 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटे में ही 6 लोगों की जान भी चली गई। वहीं 497 मरीज ठीक होकर घरों को लौटे। इसी के साथ हरियाणा में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा
262,325 तक पहुंच गया है। हरियाणा में महामारी के कारण 2,905 लोगों की जान चली गई। वहीं हरियाणा में 255,853 लोग महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 3,567 है। दुनिया ने साल 2020 को विदाई दे दी है। लोग अपने अपने अंदाज में साल 2021 का स्वागत कर रहे हैं। नए साल के जश्न के बीच सर्दी भी सितम ढा रही है। कई इलाकों में नए साल के पहले दिन ठंड ने टॉर्चर किया। दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। यह पिछले 14 साल से सबसे कम है। कई इलाकों में सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 से 5 जनवरी के बीच बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालयन रीजन में बर्फबारी का भी अनुमान है। विभाग ने मैदानी इलाकों में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री खट्टर ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए उनके अविश्वास प्रस्ताव लाने के बयान पर कहा है कि जनता का सरकार पर विश्वास है। कांग्रेस के साथी गलतफहमी में जीते हैं। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। अभी विधानसभा का सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। फरवरी मार्च में ही सत्र होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वीकारा कि चुनाव पर किसान आंदोलन का असर रहा है। सीएम ने विषम परिस्थितियों में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और बधाई दी। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2021 से पहले निकाय चुनाव जरूरी थे। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आंदोलनरत किसानों और केंद्र सरकार के बीच 4 जनवरी 2021 को होने वाली अगली बैठक निश्चित रूप से सकारात्मक होगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।